Good morning class, this is our new anaphysio class in which today we will study about the anatomy and physiology of female reproductive system. हमने अपनी लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम वाला टॉपिक कंप्लीट किया था. आज वाली क्लास में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं. हालांकि इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में अपन आज ये पढ़ लेते हैं. तो देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम को आप पढ़ चुके हैं. वैसे तो बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद भी हो गया होगा. असेंडिंगली अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले वजाइना, जो कि आगे सर्विक्स से जुड़ी हुई है. इसके पास में लेटरल फोनिक्स दिखाया गया है, लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट बताया गया है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट बताया गया है, इस्थमस है, यूटेराइन. यहाँ पर ये सर्विक्स एक्सटर्नल ओएस जो वजाइना में खुल रहा है, ये सर्वाइकल कैनाल, और फिर इसका इंटरनल ओएस जो कि यूट्रस के अंदर खुल रहा है. ऊपर यूट्रस की बॉडी बताई गई है और उसके ऊपर यूट्रस का फंडस बताया गया है. और ये पूरी यूट्रस की जो बॉडी है उसके अंदर यूट्रस की ल्यूमन यानी कैविटी दिखाई गई है. यहाँ पर यूट्रस की तीन वॉल्स बताई गई है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. और ये यूट्रस का राउंड लिगामेंट दिखाया गया है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में ब्रॉड लिगामेंट जो कि मीजोजाल्पिंक्स, मीजोवेरियम और मीजोमैट्रियम का बना होता है. ये ओवेरियन ब्लड वेसल है जो ओवरी को सप्लाई कर रही है. ये ओवरी जो कि यूट्रस से जुड़ी हुई है ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा एक साइड से, और दूसरी साइड इसके ऊपर जो है वो ओविडक्ट के फिम्बरी दिखाए गए हैं. ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ओवरी के, जिससे कि ये सस्पेंडेड रहती है. और ओविडक्ट का यहाँ राइट साइड में आप देखिए तो पूरा पूरा पार्ट बताया गया है, एम्प्यूला, इस्थमस, इनफंडेबुलम और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको आप फिम्बरी कहते हैं. ये पूरी पूरी क्या है, यूटराइन ट्यूब है. तो ये इसकी एनाटॉमी. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि वेजाइना की पीएच को, 4 पीएच को ये मेंटेन करता है, मेंटेन रहती है 4 पीएच वेजाइना में. नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड 40 वीक्स का होता है. 400 के लगभग ऊ साइड जो हैं वो मेनार्क और मीनोपॉज के दौरान रिलीज होते हैं. मेनार्क इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल द मीनोपॉज द पॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कैन से. एंड 400,000 ओसाइट्स जो हैं वो प्यूबर्टी के दौरान पाए जा रहे होते हैं बॉडी में. मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की चलती है और 280 डेज़ के नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड होता है, जो कि हम काउंट करते हैं लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से. तो कितने दिनों का, 280 डेज़ का ये नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड होता है. अब कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ओजेनेसिस. इसमें ओवरी में एग या ओवम डेवलप होता है, उसको ओजेनेसिस कहते हैं, ओवरी में एग या ओवम का डेवलपमेंट. ओगोनिया, फीटल ग्रोथ के दौरान ओगोनिया 2N स्टेज में होता है, ये डिवाइड होता है, प्राइमरी ओसाइट्स बनाता है. प्राइमरी ओसाइट भी 2N होते हैं. प्यूबर्टी के दौरान इसी प्राइमरी ओसाइट से आगे जाकर के सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं जो हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, यानी एन नंबर में. प्राइमरी ओसाइट और ओगोनिया होते हैं डिप्लॉयड नंबर में, जबकि सेकेंडरी ओसाइट होता है हैप्लॉयड नंबर में. लेटर एग जो है हैप्लॉयड नंबर में ही हर मंथ में बनता है इस ओसाइट से. फिर ग्रैन्यूलोसा की सेल्स, वो सेल्स होती है जो एग सेल्स, जो डेवलपिंग एग सेल्स है उसको नरिश करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. डिप्लॉयड यानी 2N सेल्स, ये ह्यूमन सेल्स है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इसी को अपन डिप्लॉयड स्टेज कहते हैं, यानी 2N, और हैप्लॉयड यानी N. ये सेक्स सेल्स होती है जिसको अपन गैमेट्स कहते हैं. इसमें हमेशा केवल 23 क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉयड नंबर में ही पाए जाएंगे. वेजाइना, ये एक कैनाल है जो कि यूट्रस को बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करती है. सर्विक्स एक मस्कुलर रिंग है टिश्यू की, जो कि यूट्रस की माउथ पर पाई जाती है और यूट्रस को वेजाइना से सेपरेट आउट करती है और फीटस को होल्ड करती है अपने प्लेस पे. जब फीटस डेवलप होता है तो उसको अपनी जगह पे बनाए रखने का काम इस सर्विक्स का होता है.
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ओवा का फॉर्मेशन, फिर स्पर्मेटोजोवा को रिसीव करना, पहले ओवा बनाना और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान स्पर्मेटोजोवा को रिसीव करना। इसके अलावा जब वो स्पर्मेटोजोवा रिसीव हो जाए तो उस स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, फीटल का डेवलपमेंट करना, पार्चुरीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी आगे का डेवलपमेंट और मिल्किंग प्रोसेस जब चलेगा वगैरह वगैरह, बेबी को कैरी करना, ये सारा पार्चुरीशन के अंदर आ रहा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद के एनवायरमेंट को, बॉडी के एनवायरमेंट को रेगुलेट करना वगैरह। लैक्टेशन करना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फंक्शन होता है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है ताकि बच्चे को अर्ली लाइफ के अंदर पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि बच्चा जो है कुछ खाता तो है नहीं, इवन पानी भी नहीं पिलाया जाता, उसको दूध ही दिया जाता है, उसमें 80% वाटर होता है जो उसकी सभी तरह की भूख और प्यास जैसी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए होता है। तो ये दूध जो है हमेशा माँ का दूध ही पिलाया जाता है जो कि लैक्टेशन के प्रोसेस से बनता है। तो ओवा को बनाना, स्पर्म को रिसीव करना, फर्टिलाइजेशन, इस स्पर्म ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करना और फीटल का डेवलपमेंट करवाना, पार्चुरीशन और लैक्टेशन, ये फंक्शंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इस सिस्टम को जैसा हमने पहले पढ़ा कि भाई तीन पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, इंटरनल जिनाइटेलिया और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्रेस्ट वगैरह जैसे ऑर्गन्स आते हैं जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, तो एक्सटर्नल जिनाइटेलिया है जिसमें अपन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा जैसे सारे पार्ट्स, हालांकि मैंने ये आपको पढ़ा दिया था, एक्सटर्नल जिनाइटेलिया काफ़ी अच्छे से अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अपन यहाँ पे और उसको अच्छे से देख लेंगे, कोई टॉपिक कोई पॉइंट कुछ रह गया हो तो अपन इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल जिनाइटेलिया यहाँ पे बताया गया जिसको अपन वल्वा कहते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था पहले आपको। ये मॉन्स प्यूबस जिसपे ये हेयर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्लाइटोरिस की प्रिप्यूस है ऊपर की तरफ, ये पूरा क्लाइटोरिस दिखाया गया जिसका हेड बताया गया, ये वेस्टिब्यूली है इसका पार्ट, नीचे एनस दिखाया गया है, एनस के पास ये ओपनिंग है डक्ट की ओपनिंग, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के डक्ट की ओपनिंग बताई गई है, ये वेजाइनल ऑरिफिस है छेद जहाँ से वेजाइना खुल रही है, ये हाइमन जो कि रप्चर्ड हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फिर कुछ और एक्सीडेंटल केसेस के अंदर, ऊपर यूरेथ्रल ऑरिफिस दिखाया गया है, और ये दो लिप लाइक स्ट्रक्चर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा बताए गए हैं। ये एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है भाई? ये बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को एंटर करवाने में इनेबल होते हैं, इन्हीं के थ्रू स्पर्म जो है बॉडी में एंटर करते हैं। और दूसरा, ये इंटरनल जिनेटल ऑर्गन्स को किसी भी इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ये दो मेन फंक्शन है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जबकि इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या होते हैं भाई? इंटरनल जिनाइटल ऑर्गन्स एक पाथवे बनाते हैं जिसको आप जिनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। ये पाथवे, इन चीज़ों का पाथवे, वेजाइना, यूटरस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज का। वेजाइना ये बर्थ कैनाल का पार्ट होता है जिस पे स्पर्म आकर के डिपॉजिट होते हैं, और इसी रास्ते से बेबी जो है वो एमर्ज होता है, बच्चा जो है वो बाहर निकलता है। दूसरा यूटरस, जहाँ पर कि एक एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप होता है। तीसरा फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, जहाँ स्पर्म ओवम से फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाएगा। और लास्ट ओवरी, जहाँ पे एग प्रोड्यूस भी होते हैं और वहाँ से एग रिलीज भी होते हैं, ओव्यूलेशन का प्रोसेस जिसको अपन कहते हैं। तो ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस अपन ने इन शॉर्ट यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आगे इन सब चीज़ों को और डिटेल में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, सिंपल इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ चुका है।